वेलकम टू अनिल किचन। अनिल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दही के आलू। तो ये बहुत ही सिंपल है बनाने में और ज़रा भी मिर्च मसाला नहीं है, जो कि गर्मी में हमसे नहीं खाया जाता। तो आपके लिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके नाम है दही के आलू। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स और आप ज़रूर इसके ध्यान से देखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। दही के आलू के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू जो मैंने बॉयल किए हुए हैं, ये है हींग कम से कम एक पिंच, धनिया पत्ता और हरी मिर्च। ये है दही, कम से कम एक कप दही हमें चाहिए। ये हल्दी कम से कम एक चम्मच। ये है जीरा कम से कम एक चम्मच। ये है लाल मिर्च पाउडर बहुत थोड़ा सा, आधी चम्मच। और ये है नमक। बनाने के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दही के आलू बनाने के लिए तेल बहुत कम यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे बस एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, तो इसमें ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है। और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा और हींग। तो तेल गर्म हो गया तो मैंने ये डाला है जीरा कम से कम एक चम्मच, और ये मैंने डाली है इसमें हींग। इसे हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे, यानी कि जीरे को चटकने देंगे, जो उसमें एक आवाज़ आती है चट चट चट। तो अब मैं डालूंगी इसमें हींग, क्योंकि हमारा जीरा भुन चुका है। हींग को भी इसमें हम हल्का सा कुक होने देंगे। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे हमारे बॉयल्ड पोटैटोस। ये मैंने बॉयल्ड पोटैटोस लिए हैं, तो अब इनको मैं चला लूँगी ताकि जीरा, हींग और हरी मिर्च इन आलुओं में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसे हमें पूरा मिक्स करना है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही सिंपल है। और हल्दी भी इसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ एक चम्मच, थोड़ी सी। आप देख रहे हैं क्वांटिटी इसकी, देख सकते हैं। मिर्च भी इसमें मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, मतलब एकदम चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे मिर्च ली है, क्योंकि इसमें मिर्च की ज़रा ज़रूरत नहीं होती है। तो आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये डाला नमक, और इसको हम चला देंगे। तो मैंने इसको भून लिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे आपको भूनना है थोड़ा सा, इन आलूओं को। आप देख सकते हैं मैंने इसको भून लिया है। और अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कर्ड, और कर्ड मैंने डाल के इसको हमें थोड़ा सा तेज़ी से चलाना है ताकि कर्ड फटे ना, मतलब जैसे तेज आंच पे हमें इसको करके ऐसे इस तरह से फेंटना है ताकि पूरे कर्ड आलू में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है, बस फटाफट 5 मिनट में बनके तैयार। इसे हमें बहुत ज़्यादा खोलाना वलाना नहीं होता, क्योंकि कर्ड की वजह से इसकी ग्रेवी वैसी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ग्रेवी लग जाए इसमें। और बस इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करूँगी, ताकि ये पानी जो मैंने लगाया ये हल्का सा कुक हो जाए। और उसके बाद मैं धनिया पत्ता डाल के इसको मैं सर्व कर दूँगी एक बाउल में। तो बस इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करना है, और इसको हम फिर बॉल में सर्व कर देंगे, खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बस 2 मिनट के लिए कुक किया मैंने, और इसको मैंने निकाल लिया एक बॉल में, और इसको गार्निशिंग कर दी धनिया पत्ती के साथ में। तो आपने देखा कितने फटाफट ये सब्जी बनके तैयार हो गई है, टेस्टी सी। तो अगर मेरा ये वीडियो, ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।